कॉन्सेप्ट ऑफ सवरानिटी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में पहले अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस कितनी है हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रीवियस ईयर्स का जो आप है आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो और आप अपने इस टॉपिक को किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ये भी आइडिया लगा सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ़ सवरानिटी को हम कई सारे पार्ट में समझेंगे जैसे आज हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ़ सवरानिटी क्या है इसका ओरिजिन कैसे हुआ देन कुछ आगे दो वीडियोस में फिर हम ये देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ सवरानिटी क्या हैं जिसमें हम मोनिस्टिक थ्योरी एंड प्लूरलिस्टिक थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे सो हाय गाइस वेलकम बैक दिस इज़ दीपिका एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइज आर गिविंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सवरानिटी की अगर बात की जाए तो सिंपलेस्ट वे में अगर हम समझें इसे तो आप इसे कह सकते हो सुप्रीम पावर अब ये सुप्रीम पावर किस कंटेक्स्ट पर है ये भी आपको ध्यान रखना है तो पोलिटिकल साइंस में जब हम सवरानिटी की बात करते हैं तो ये होती है सुप्रीम पावर किसकी स्टेट की अब ये स्टेट का सुप्रीम पावर मतलब ये है कि किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे उस सोसाइटी में किस तरीके के रिलीजस इंस्टीट्यूशंस होंगे किस तरीके का आपका आप सोशल इंस्टीट्यूशंस होंगे किस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे या किस तरीके के ट्रैफिक रूल्स होंगे सिंपली अगर देखा जाए तो किस तरीके से ओवरऑल गवर्नेंस होगा एडमिनिस्ट्रेशन होगा इनसे संबंधित जो भी लॉज होते हैं रेगुलेशन होते हैं इनको बनाने की जो अथॉरिटी है उसकी सुप्रीम अथॉरिटी कौन है स्टेट है और स्टेट की अथॉरिटी को दूसरे इंस्टीट्यूशंस चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ जाए या सोशल इंस्टीट्यूशन कोई आ जाए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाए स्टेट को चैलेंज करने लग जाए नहीं इसी धर्म के आधार पर स्टेट चलेगा या इस सोसाइटी के आधार पर स्टेट चलेगा गेटिंग इट तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता स्टेट जो डिसाइड करेगा रूल्स बनाएगा रेगुलेशन बनाएगा सिटीजन्स को वो ओबे करने होंगे नेक्स्ट आपको ये मेंशन ज़रूर करना है अपने आंसर में कि जो सव्रैनिटी का कॉन्सेप्ट है यह लैटिन वर्ड सुप्रेनस से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है सुप्रीम या पैरामाउंट जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है राइट right? तो इसकी मीनिंग समझ में आ गई और यह सर्वोच्च या पैरामाउंट पावर किसकी है स्टेट की है किस कंटेक्सट पे है राइट टू डिटरमाइन दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ओके okay. अब आग अगर आपने स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझा है तो आपने देखा होगा कि स्टेट के फोर बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेट को स्टेट बनाते हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग करते हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सवरानिटी का कॉन्सेप्ट देन टेरिटरी पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट दीज आर दी फोर कॉम्पोनेंट ऑफ अ स्टेट जो होने ही चाहिए तभी आप कहोगे ये स्टेट है तो सवरानिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन हो सकता है लीडर हो सकता है टेरिटरी से बिलोंग कर सकते हैं लेकिन सवरानिटी नहीं होगी उन पर गेटिंग इट तो ये थी बेसिक मीनिंग ऑफ द सवरानिटी अब इस टेक्निकल टर्म का पॉलिटिकल साइंस में कब से पॉपुलर होता है तो आपने आ, 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 जे बॉडिन का नाम सुना होगा जिन्होंने 1576 में एक अपनी बुक पब्लिश कराई थी द रिपब्लिक जिसके थ्रू इन्होंने इस टर्म को पॉपुलर बनाया था गेटिंग इट फर्दर चलकर जैसे जॉन ऑस्टिन ने इसे फर्दर डेवलप किया है राइट तो वो हम जॉन ऑस्टिन की मोनिस्टिक थ्योरी पे, लीगल थ्योरी पे देखेंगे उसको डिटेल में तो अभी हम ये देखते हैं कि जो सवरिन स्टेट का सिस्टम है ये किन सरकमस्टेंसेज में उभर कर आया है तो सिक्सटीन सेंचुरी जिसमें जो जे बॉडिन हैं जैसे स्कॉलर्स ने पॉलिटिकल साइंस में इसे पॉपुलर बनाया इस टेक्निकल टर्म को तो उस समय क्या ऐसी सिचुएशन थी कि ये सवरिन स्टेट सिस्टम बाहर निकल कर आया तो कई सारे फैक्टर हैं सिक्सटीनथ सेंचुरी एक तरीके का ट्रांजिशन पीरियड था बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे ये वो दौर है जब आपको याद होगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आगे चल आती है इसकी शुरुआत होती है थोड़ी थोड़ी साइंटिफ़िक रिवोल्यूशन आती है अब साइंटिफिक रिवोल्यूशन आएगी तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल लॉज हैं वो उन पर जो फेथ है वो डाइल्यूट होगी हम साइंटिफिक लॉज को ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ज़्यादा समझेंगे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे राइट right? एक्सप्लोरेशन हो रहा है इनोवेशन हो रहा है तो जो साइंटिफिक लॉज हैं उन पे भरोसा ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल लॉज या जो डिवाइन पावर थी उस पर तो डिवाइन पावर पे भरोसा थोड़े थोड़े वीक होगा तो आप देखोगे कि मेडवल टाइम पीरियड में जो सुपरमेसी थी यूरोप में वो चर्च की सुपरमेसी थी चर्च एक रिलीजियस अथॉरिटी है और सुप्रीम पावर चर्च के पास थी जिस तरीके का डायरेक्शन चर्च देता था मतलब रिलीजियस अथॉरिटी देती थी पॉलिटिकल अथॉरिटी उसी डायरेक्शन में काम करती थी किस तरीके के रूल्स होंगे किस तरीके के सोशल नॉर्म्स प्रेजेंट होंगे किस तरीके के एजुकेशनल नॉर्म्स प्रेजेंट होंगे कैसे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होगा ये सारी चीज़ें अगर एंसियट इंडिया और इंडिया में भी अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कौटिल्य या या मनुस्मृति में या मनु का जो रूल है और शांति पर्व इन सब में आप देखोगे जो मनारकी सिस्टम था कहीं ना कहीं रिलीजियस अथॉरिटी के डायरेक्शन में ही काम करती थी रिलीजियस अथॉरिटी जिसे धर्मा कहा गया है धर्म तो धर्मा जो वर्ड किया गया है जिसके कंट्रोल में किंग रहेगा राइट इवन किंग ऑब्सोल्यूट पावर नहीं थी किंग के पास किंग को भी किसके कंट्रोल में रखा गया था धर्म के कंट्रोल में रखा गया था तो इट वॉज इन यूरोप ऑल्सो तो जो आपका जो पोप की अथॉरिटी थी उसके पास पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल पावर दोनों पे क्लेम था जिस जो क्या करता था कभी आर्मीज़ को भी कमांड कर रही है ये अथॉरिटी पॉलिटिकल अलाइंस बना रहे हैं राइट वॉर के साथ डील कर रहे हैं ये सारी चीज़ें तो जब ये सारे नए नए ट्रांजिशन हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ रहा है एक्सप्लोरेशन कोलोनाइजेशन रिफॉर्मेशन जिसमें कैथोलिक एंड जो प्रोटेस्टेंट का आपने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा ही होगा कभी ना कभी कि कैसे रिलीज जो रिलीजन रिफ़ॉर्म की बात की गई कैसे रीज़न को इम्पॉर्टेंस दी गई एज कम्पेयर टू तो फेथ एंड रिलीज़न इन सब चीज़ों को तो ये वो टाइम था सिक्सटीन सेंचुरी का जहाँ पर जो जो सोसाइटी थी पॉलिटिकल कम्युनिटी थी वो सेकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी सेकुलर डायरेक्शन ये कि जो रिलीजन है वो इंडिविजुअल के पर्सनल डोमेन का हिस्सा है वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए हम किस तरीके का वर्शिप करेंगे किस तरीके का फेथ रखेंगे ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है स्टेट कंट्रोल नहीं करेगा स्टेट को इससे अलग रखा जाए गेटिंग इट तो धीरे धीरे यहाँ पर सवरैनिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि सुप्रीम पावर सुप्रीम पावर किस कंटेक्स्ट पे टू मेक द लॉ टू मेक द गवर्नेंस सिस्टम टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये किसके डोमेन में किसका सुप्रीम पावर होगा स्टेट का ना कि अदर इंस्टीट्यूशंस का जैसे चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो तो ये सर्वोच्च पावर पॉलिटिकल अथॉरिटी जो स्टेट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसके पा, उसके पास आएगी गॉट इट ना कि सिक्सटींथ सेंचुरी में कैसे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पॉपुलर बनाया गया तो ये बेसिक बैकग्राउंड था कि किस हिस्टोरिकल सरकमस्टेंसेस में सवरन स्टेट सिस्टम थोड़ा इमर्ज होता है ओके okay, तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट को हमने मीनिंग uh, तो इसकी समझ ली पहली स्लाइड में अभी हम देखते हैं इसकी डिफरेंट स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लेते हैं जो आपके आंसर राइटिंग परपज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको लिखनी है अपने आंसर में गेटिंग इट तो मैं इसको बोलूँगी कि आप नोट डाउन कर सकते हो जैसे जे डब्ल्यू गार्नर कहते हैं कि सवरेनिटी क्या है तो सवरेनिटी स्टेट की वो पावर है जिस या वो विल है जिसको लिमिट नहीं किया जा सकता किसी और के पावर या विल के द्वारा गेटिंग इट इसके बाद से जो जे बॉडी ने वो कहते हैं कि सवरैनिटी क्या है इट इज़ द सुप्रीम पावर जो सिटीजन्स या सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब प्रजा जो होती है जिस पर रूल किया जाता है राइट तो ये अनरस्ट्रेनड है राइट इस पर कोई भी बाधा नहीं डाली जा सकती इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता राइट इसके बाद से आपके हेरोल्ड जे लास्की हैं ये कहते हैं कि सवरेनिटी क्या है सुपरमेसी है स्टेट की दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में उनके ऊपर इसी तरीके से एफ डब्ल्यू विलो भी हैं उन्होंने डिफाइन किया है सवरेनिटी को कैसे कि इट इज़ द सुप्रीम विल ऑफ़ द स्टेट सर्वोच्च विल किसकी है स्टेट की है एंड ये विल आप समझ गए हो कि किस कंटेक्सट पे बात कर रहे हैं हम गवर्नेंस की कंटेक्सट uh, पे बात कर रहे हैं रूलिंग के कंटेक्स्ट पे बात कर रहे हैं ह्यूगो ग्रोटिया से वो कहते हैं कि सवरेनिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द फॉरन कंट्रोल इसी तरीके से आर जी हैं वो कहते हैं कि सवरानिटी इज़ द एक्सरसाइज ऑफ फाइनल लीगल कोहरसी पावर ऑफ़ द स्टेट मतलब फोर्स को इस्तेमाल करने की कोहर्सिव पावर को इस्तेमाल करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है स्टेट के पास है ना कि किसी और इंस्टीट्यूशन के पास है तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस थी वेरियस स्कॉलर्स की जो हमें अपने आंसर में मेंशन करना ही करना है और इन सारी डेफिनेशन को अगर हम अप करें कि भाई अगर हमने इतनी सारी डेफिनेशन देख ली है तो फाइनली क्या निकलता है सवरेटी से अगर आपको दो लाइन में डिफ़ाइन करना है तो आप क्या कहोगे सवरेनिटी क्या है तो कंक्लूड करने के लिए आ, के लिए हम कहेंगे कि ये जो सवरीन है इसका अभी अब तक हमने क्या मतलब समझा कि एक ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी है सोसाइटी में जिसको सभी लोग ओबे करेंगे कमांड करेंगे क्योंकि वो सुप्रीम पावर है उसके ऊपर कोई सुप्रीम नहीं है उसके पास फाइनल अथॉरिटी है टू यूज़ द कोहर्सिव पावर राइट और जो ये जबरीन है ना ये फ्री है फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस उसको कोई कमांड नहीं कोई कंट्रोल और कमांड उसके ऊपर किसी का भी नहीं है ऐसा नहीं है कि मतलब आ कोई रिलीजियस अथॉरिटी आकर स्टेट को कमांड करने लग जाए कंट्रोल करने लग, लग जाए जैसा कि सिक्सटीन सेंचुरी के पहले हो रहा था मेडबल टाइम पे कि जो स्टेट था जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनको रिलीजियस अथॉरिटी जो पोप या जो चर्च की अथॉरिटी थी वो कंट्रोल कर रही थी तो सवरानिटी के कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि नहीं जो स्टेट है इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है सुप्रीम एंड अप्सोल्यूट पावर स्टेट के पास है स्टेट को कोई कंट्रोल नहीं करेगा दिस इज फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो अभी हम इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन दोनों को समझेंगे अभी आगे चलकर तो आपको ये डेफिनेशंस और मीनिंग समझ में आ गई आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है और आप एग्जाम में लिख सकते हो इसको सबसे ज़रूरी समझना तो ठीक है इम्पॉर्टेंट है बट इक्वली इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें लिख पाओ तभी तो कोई फ़ायदा है ना इस वीडियो इस लेक्चर को देखने का अगर आपने देख लिया समझ लिया कि हाँ हाँ चलो मुझे स्वरानिटी समझ में आ गई बट आपको इतना ही अच्छा आपको आंसर भी लिखना है तभी तो फ़ायदा हुआ इतने जो आपने इस टाइम दिया इस लेक्चर को सुनने के लिए तो इसको एग्ज़ाम में ज़रूर अप्लाई करना लिखना ज़रूर ठीक है नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ सवरानिटी सो डायमेंशन ऑफ सवरानिटी में हम इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं इंटरनल डायमेंशन एंड एक्सटर्नल डायमेंशन राइट इंटरनल डायमेंशन है विद इन आवर बॉर्डर विद इन आवर टेरिटरी मैं एग्जाम्पल इंडिया को लूँगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ना कि इंडिया के विद इन बॉर्डर जो सुप्रीम पावर है भारत सरकार की इंडियन गवर्नमेंट की राइट right? वो सुप्रीम वो इंटरनल डायमेंशन हो गया सर सवरानिटी का एक्सटर्नल डायमेंशन होता है कि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है ये किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड नहीं है फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब जैसे कि ना अमेरिकन गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है और ना जैसे चाइना का कंट्रोल है किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है हमारी भारत सरकार हमारी इंडियन गवर्नमेंट फ्री है एक्सटर्नल कंट्रोल से ओके okay, तो इंटरनल समझ में आया विद इन बॉर्डर तो विद इन बॉर्डर मतलब स्टेट हमारा सुप्रीम है कोई अदर इंस्टीट्यूशन चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव uh, इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो उसका कंट्रोल नहीं है नो हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट इंटरनली अबो द स्टेट गॉट इट कि विद इन द बॉर्डर स्टेट से ऊपर कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है जैसा पहले होता था कि रिलीजियस अथॉरिटी ऊपर होती थी स्टेट अथॉरिटी के या पॉलिटिकल अथॉरिटी के एक्सटर्नल क्या है हमारी जो गवर्नमेंट है वो नेशनल गवर्नमेंट वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से फ्री है गेटिंग इट तो ये हो गया अच्छा एक्सटर्नली हम इंटरनेशनल डोमेन में जब बात करते हैं तो हम बहुत सारे ट्रिटी साइन करते हैं बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ को हम रेटिफाई करते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इन इंटरनेशनल लॉ या ट्रिटी बनाने का कि हमने अपनी सवरेन स्टेटस खो दिया नो no. हम वो उसी लेवल तक इन चीज़ों को अलाउ करते हैं कि हम अपनी सवरानिटी को मेंटेन रखें गेटिंग इट और अगर इंडिया को लगता है कि कोई इंटर इंडिया को क्या किसी भी नेशन को लगता है कि कोई इंटरनेशनल लॉ उसकी सवरानिटी के खिलाफ है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा गेटिंग इट तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन आई होप कि आप लिख सकते हो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में फीचर्स क्या हैं मतलब मेजर पॉइंट्स क्या हैं सवरानिटी के तो सबसे पहले सवरानिटी इज ऑब सो ऑब्सल्यूटनेस ऑफ द सवरानिटी अब मैंने इन्हें की वर्ड में मैंशन किए हैं आप ताकि इसके नोट्स में ना सको आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म इन सिंपलेस्ट वे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे तो ऑब्सल्यूटनेस का मतलब है कि जो सुप्रीम पावर है जो सवरानिटी है ये ऑब्सल्यूट है ऑब्सल्यूट मतलब कम्प्लीट है इसके ऊपर इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है राइट right. इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है ऑब्सल्यूट पावर है मेरे पास टू टेक द डिसीज़न सिर्फ मैं ही डिसीजन मेकिंग करूँगा दिस इज द ऑब्सल्यूटनेस ऑफ द सवरानिटी जैसे भारत सरकार इंडिया के में क्या लॉ रहेंगे क्या एजुकेशन रहेगी कैसे गवर्नेंस होगा ये भारत सरकार के वह डिसीज़न लेगी कोई स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले लेगी उसके पास आकर गेटिंग इट इसी तरीके से परमानेंस अब जो ये सुप्रीम पावर है स्टेट की ये परमानेंट इन नेचर है तो आप तो कहोगे मैम सरकार तो बदलती रहती है यस yes, सरकार बदलती रहती है स्टेट नहीं बदलता है भारत सरकार का जो नाम है वो हमेशा भारत सरकार रहेगा अब भारत सरकार कौन सी पार्टी बना रही है आज एन गवर्नमेंट है कल को कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी तो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी लेकिन भारत सरकार की अथॉरिटी परमानेंट है भारत सरकार अथॉरिटी की, की जगह ब्रिटिश अथॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी यहाँ पर गेटिंग इट सो मेरा कहने का ये मतलब है परमानेंस मतलब जो ये सुप्रीम पावर है स्टेट की वो परमानेंट इन नेचर है अब उस विल को उस पावर को एक्सरसाइज कोट कर रहा है वो पीपल्स सिस्टम के आधार पे बदलते रहते हैं अगर हमने पाँच साल का टर्म दिया है तो वो पाँच साल के लिए रहेंगे गेटिंग इट तो ये हो गया परमानेंस नेक्स्ट है इनडिविजिबिलिटी मतलब इस जो ये ऑब्सोल्यूट एंड परमानेंट सुप्रीम पावर है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते शेयर नहीं कर सकते किसी और अथॉरिटी के साथ में राइट right? अभी जब प्लूरलिस्टिक थ्योरी देखेंगे तो वो तो कहेंगे कि नहीं नहीं इसे हम शेयर कर सकते हैं बट जनरल सेंस में क्या बोलते हैं कि जो सवरानिटी है वो सिर्फ इस्टेट की पावर है इसको किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ में शेयर नहीं किया जाता कि भाई नहीं इसका आप पचास परसेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लेंगे पचास परसेंट आपके सोशल इंस्टीट्यूशन लेंगे ऐसा नहीं होता ये इसको ये सिर्फ स्टेट की पावर है इस पावर को हम अदर इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर नहीं करेंगे गेटिंग इट देन यूनिवर्सैलिटी यूनिवर्सैलिटी मतलब दिस इज़ द यूनिवर्सल थिंग प्रजेंट एवरी वेअर एवरी कंट्री राइट हर प्ले हर टाइम एंड स्पेस में प्रेजेंट है हर नेशन में प्रेजेंट है ये देन इन एलिनेबिलिटी मतलब स्टेट से इसे अलग नहीं किया जा सकता राइट दिस इज द वेरी इटर्नल या यू कैन से दैट कि वेरी परमानेंट इन नेचर कि आप इसे अगर स्टेट जब तक एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टेट की सवरानिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी ना उसे स्टेट से आप अलग नहीं कर सकते हो इसके बाद से क्योंकि आपने जब कॉम्पोनेंट देखा है स्टेट के तो उसका ये एक कॉम्पोनेंट है सवरानिटी एक कॉम्पोनेंट अगर स्टेट का प्रेजेंट नहीं होगा तो स्टेट ही नहीं रहेगा राइट right? इसका एक बेसिक कॉम्पोनेंट है जो स्टेट को बनाता है देन एक्सक्लूसिवनेस मतलब सवरानिटी जो सुप्रीम पावर है किसके पास है सिर्फ स्टेट के पास है एक्सक्लूसिवली किसके पास है स्टेट के पास है किसी और इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है दिस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द स्टेट ये एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट राइट तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं आई होप कि ये इन टर्म्स की मीनिंग क्लियर हो गई होगी आपकी बाकी डिटेल में इंफॉर्मेशन हो सकते हैं आपने बुक में पढ़ी हो uh, इसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप आई होप ऐसा अगर नहीं है कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट कर लेना नीचे सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस आई होप कि आपने आज की लर्निंग आपका आज का डिस्कशन इन्जॉय किया होगा और आपको जो सवरानिटी की बेसिक मीनिंग है कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशनस हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको पता चला होगा नेक्स्ट वीडियोस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल सवरानिटी क्या है लीगल सवरानिटी क्या है नेशनल सवरानिटी क्या है ये सारे जो टाइप्स ऑफ सवरानिटी जिसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद मोनिस्टिक थ्योरी देन प्लूरलिस्टिक थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे तो इस आ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको इस तरीके के वीडियोस चाहिए या आपको इस तरीके का मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है आपको हेल्पफुल कर रहा है तो प्लीज़ शेयर विद अदर्स टू तो सपोर्ट मी एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर